वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मुझे GTA 5 की वीडियो में काफ़ी दफ़ा देखा होगा, लेकिन यार मैं पहला ब्लॉग कर रहा हूँ अपना। अगर कैमरा तरह गुस्से में इधर उधर निकल जाए तो माफ़ कर देना। बाकी वो तेरी गिरने लगा था अभी। अच्छा तो बाकी यार मैंने कोई इन्ना खासा ब्लॉग बनाना आता हूँ कोई नहीं। ये जस्ट अगर कमाल होगा भी तो ये मेरी iPhone 11 Pro Max का होगा। शौकिया मारो, खैर दफ़ा मारो। अच्छा तो सीन ऐसा कि मैं ना थोड़ा काम से बाहर आया हुआ था अभी, ठीक है। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। अगर अच्छी आवाज़ होगी तो डाल दूंगा, नहीं होगी तो नहीं डालूंगा। तुम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है यार जापान दिखा दो। तो भाई ये जापान, ठीक है, ये ज़मीन है जापान की, ये देखो कितनी साफ़ है, और वो आसमान है, ठीक है। बाकी ये तंगड़ी सा दरख्त खड़ा हुआ है, चेक कर लो। और बाकी ये क्या भाई, ये कोई आंटी अपना शवरमा बेच रही है। नहीं शवरमा नहीं बेच रही, ये आंटी देखो ये अंकल को दे रही है। अंकल ने मना कर दिया तो मैं तो लूँगा नहीं, क्योंकि मैंने खाना नहीं है, यहाँ पे खाने वाली चीज़ें होती नहीं है। तो क्या दिखूँगा और तुम लोग को। हाँ बाकी ये देखो ये स्टेशन है ऊपर। तुम लोग को ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाती हूँ, सबर करो। हाँ पहली चीज़ ये देखो, ये इसकी ना तस्वीर खींच सकते हो आप लोग। आप वो कैसे खींच सकते हो तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। हालांकि मैं लेट तो हो रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए चलता है यार, ठीक है। पहला ब्लॉग है, अगर इधर उधर निकल जाओ तो माफ़ कर देना। अच्छा चलो, ये है जी तस्वीर खींचने वाला, इसको कहते हैं फोटो बूथ कहते हैं आई थिंक। हाँ मैंने भी नहीं पता, खैर पेंटू बंदे ना। अच्छा तो ये देखो, ये लगा हुआ है, इसके अंदर ही कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। चेक करो आईफोन। अच्छा तस्वीर खींच सकते हो आप लोग। और अगर आपने अपना मुंह साफ करके, मतलब कि अपने मुंह के ऊपर आपने मेकअप थोपे बगैर मेकअप थोपना है तो वो 1100 का होगा। अगर आपने मतलब सिंपल सी ब्यूटीफुल तस्वीर इस तरह की चिट्टे मुंह वाली खिंचवानी है तो फिर वो 1000 दोगे। अगर आप अपना नॉर्मल मुंह दिखाना तो फिर वो 900 रुपये दोगे आप। बस ये सीन है। हाँ और बाकी मैंने भी जाना स्टेशन पे। टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, सबर करो भाई, टाइम देखो क्या हो रहा है इस वक्त। तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है। 3 बजने वाले हैं तो बगैर किसी देरी के निकलते हैं। अभी मैं यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकता, मैं क्रॉस करूँगा तो ये जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के बुरा मनाते हैं ये लोग। देखो ना कितनी घास लगी हुई है यार। अच्छा और ट्रेन गुजर गई यार। खैर ये जो ये चीज़ है ना, इस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। ये क्या चीज़ है सामने, मतलब कि ये कसिनो है, तुम लोगों को पता ही होगा। वो देखो CD70 जा रही है यार। एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है CD70 दिखाओ, वो जा रही लाल कलर की। तो ये है कि भाई अभी मैं ना आया हूँ इस स्टेशन पे, पढ़ लो नाम क्या लिखा हुआ, सबर करो तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। एक कासे मैंने माइक पकड़ा हुआ है, एक कासे में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ दर्द होने लग गया। ये है स्टेशन योनो, मैं बताता हूँ तुम लोग, योनो होन माची, ठीक है। ये लिखा होम हुआ लेकिन है होन, जैपनीज में होन पढ़ते हैं इसको। ये सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियाँ हैं तुम लोगों को पता ही है। खैर अभी हम चढ़ते हैं, अभी मैंने टिकट निकालनी है ट्रेन की। और ये देखो ये एक मार्केट है, सुपर मार्केट। अगर तुम लोग को और लोग सही होंगे तो पाना मुझे, तुम लोग हैं वैसे नहीं चाहिए होंगे तो अच्छी बात है, शायद चाहिए होंगे तो वो भी अच्छी बात है। ये स्टेशन है, यहाँ पे आहिस्ता बोलना पड़ेगा तुम्हें तो, लोग ना देख के बुरा मनाते हैं। तो फिलहाल हम टिकट निकाल लेते हैं। अभी ये देखो ये सारा मैप बना हुआ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ना मस्त नंबर इस तरह लिखे हुए हैं कि कौन सा स्टेशन जाना था, कितने नंबर की टिकट लगेगी। अब सिंस मैंने जाना है, मेरी पड़ेगी 330 रुपये की टिकट। तो यहाँ से टिकट निकालती है, ये जी पे क्लिक करो, यही मैं मेरा नहीं हाथ के तुम लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं सर। तो 330 रुपये डालने हैं, सबर करो मैं पैसे अपने निकालूँ। कंगला इंसान हूँ, छुट्टे बड़े हैं मेरे पास, मतलब सिक्के 500 रुपये से कमरा डाला
यार फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं। अब मेरी ट्रेन जो है ना वो आनी दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे, और जो साथ वाला है ना ये वाला, एक तो ये है ना, मैं तुम लोगों को खत्म सफर, एक तो है जी ये वाली लाइन है ना, सफ़र करो ट्रेन तो नहीं आ रही नहीं, एक तो ये वाली लाइन है ना, और ये जो साथ जंगले वाली लाइन है ना वहाँ पे आती है बुलेट ट्रेन, वो ये है बुलेट ट्रेन का ट्रैक। अब तुम लोग दुआ करो कि बुलेट ट्रेन आ जाए, अगर आ गई तुम लोग को चेक कराता हूँ भाई, फिर मज़े किए थे, मतलब लिटरली तुम लोग ना हैरान हो जाओगे यार किधर से आएगी, पता नहीं ये नहीं पता, लेकिन दुआ करो आ जाए। वैसे अक्सर औकात आती होती है यार, मेरी ट्रेन जो है ना वो एक आ रही है 3:04 पर, और एक आ रही है 3:14 पर, 4 मिनट वाली पकड़नी है हमने। हाँ जी, तो अगर 4 बजे तक आ गई, मतलब 3:04 तक अगर ट्रेन आ गई तो तुम लोग नज़ारे कर लेना, नहीं आई तो मैं वीडियो डाल दूँगा, वैसे मेरे पास एक पड़ी है। ये देखो ये अंकल आंटी जो है ना ड्रिंक खरीद रहे हैं यहाँ से, ये टच सिस्टम वाला नहीं, ये बटन वाला सिस्टम है, और बाकी तुम लोग का मैं 360 दे देता हूँ यहाँ पे, ये चेक कर लो। वो मतलब कि सफाई इतनी है ना यार, मतलब के क्या कहूँ तुम लोग, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। खैर चलो अब हम लोग वेट करते हैं। ट्रेन की भाई है, मतलब बैंड भाई है ये, आई थी मुझे पता नहीं कौन सी है, मतलब यार ये देखो ये आ रही है ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये थोड़ा सा लोअर वर्जन है, लेकिन ये देखो ये छूतर के जाती है यहाँ से, ये देखो मतलब इसमें आई डोंट नो, लेकिन जो जहाँ तक एक मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सीसी का इंजन होता है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन सही वाली बुलेट ट्रेन है ना उसका यहाँ पे नाम होता है हायाबुसा, और उसके अंदर इंजन होता है और वो जाता है तकरीबन 500 किलोमीटर पर आवर से जाता है वो, मतलब उन लोग हिसाब लगा रहे हो, हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ अगर 300 क्रॉस कर जाएँ तो हम लोग यहाँ से मतलब कि ना छलांगे मार रहे होते हैं, और वो 500 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, लेकिन फिर भी ना उसके अंदर जो पानी रखा होता है ना गिलास, पानी का गिलास पड़ा होता है, वो हिलता भी नहीं है, इतनी स्मूथ ट्रेन है वो। खैर अभी फ़िलहाल ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ये आंटी ने ऐलान कर दी थी यहाँ पे कि अभी ट्रेन आने वाली है, लेकिन ट्रेन आएगी टाइम पे आएगी, मतलब अगर 3:04 लिखा हो ना तो 3:03 तक यहाँ पे ट्रेन होगी, अगर लेट हो जाएगी तो ऊपर पहले ऐलान कर देंगे, ये सीन है यहाँ कुछ। चलो वो देखो अंकल आंटी जो है ना ये सूखे मार रहे अपने आईफोन के, वो देखो कह रहे अंकल मेरे पास भी आईफोन है, सूखे ना मारे आप। अच्छा तो यार मुझे क्यों लग रहा है मैं फजूल बातें बहुत कर रहा हूँ, खैर यार पता नहीं क्या सीन है। चलो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना आएगी वहाँ से आएगी ट्रेन, ठीक है, और यहाँ से जाएगी वो, देखो ये है ये वाली सही बुलेट ट्रेन है ये ग्रीन, इसमें होता है हायाबुसा का इंजन, ठीक है, इसमें मुझे पता है कि हायाबुसा का इंजन होता है जो 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चलता है, मतलब यार तुम लोग चेक करो तुम लोग किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने यहाँ पे आज तक दो ट्रेनें इकट्ठी देखी हैं और आज दो ट्रेनें इकट्ठी मिल गई, तुम लोग किस्मत भाई। तो वो तुम लोग अगर देखो ना आईफोन का मेरा कैमरे का जूम एंगल बड़ा है, अभी तो 3x जा रहा है, पता नहीं क्यों 3x जा रहा है यार, वो भाई क्या हो गया है पता नहीं क्या हो गया, अच्छा यार 3x क्यों जा रहा है यार, तो 10x जाना चाहिए पता नहीं। खैर वो तुम लोग दूर से देखोगे ना मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे एक ट्रेन, तो वो ट्रेन आ रही है अभी निकलते फिर हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ के, तो ट्रेन में बोल नहीं सकते इसलिए तुम लोग को ट्रेन के सिर्फ शॉर्ट से दिखाऊंगा मंदिर से, कभी एक आधी दफा बोलूँगा तो बोलूँगा बस, ठीक है ना।
भैया आंटी पर बोल रही हैं कि ट्रेन आ रही है। हाँ ये अंकल बोल रहे हैं आप इस दफा की ट्रेन आ रही है दूसरी लाइन के ऊपर। वो देखो तुम लोगों को शायद नज़र आ रही होगी ट्रेन, सब्र करो। ये देखो ये ट्रेन आ रही है जी हमारी। और अगर मैं इस लाइन से थोड़ा सा इधर होऊंगा ना, इधर इधर को किधर है, इधर को होऊंगा ना थोड़ा सा भी इधर को, तो वो सामने से हॉर्न मारेगा व्रूम करके। ये देखो ट्रेन आ रही है अभी से ही। 12 मिनट का व्लॉग बन गया, तो मैंने डालना क्या भाई, समझ नहीं आ रही क्या। चलो ये देखो अरे भाई मतलब चेक कर रही हूँ एक और ट्रेन आ गई। चलो फिर हम लोग निकलते हैं। तो यार बेसिकली ना यहाँ पे शोर बहुत था ट्रेन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे ना बेसिकली अब ये बहुत बड़ा स्टेशन है, ये बड़ा स्टेशन था ओमिया इसको कहते हैं, बहुत बड़ा स्टेशन था ये। तो यहाँ पे अब ट्रेन रुकेगी अभी यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करना तुम लोग कितने बंदे आते हैं बीच में। मैं कहना ये चाह रहा था लेकिन माइक थोड़ा दूर था और आवाज़ बहुत थी, तो इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं। तो अब यहाँ से चेक करना कि वाम कितनी आती है, आराम से चेक करो। ये सारी वाम पहले तो उतरेगी यहाँ पे आहिस्ता, और फिर ऐसा ऐसा वाम चढ़ेगी इसके ऊपर। ये देखो अभी सारी वाम उतरी यहाँ से। अब ये देखो ये देखो ये एक दो तीन, देखो कितने बंदे आ रहे हैं यार। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए फिर रोक दूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे अब ज़्यादा वाम चढ़ गई है ट्रेन के अंदर, तो थोड़ी ना ऑकवर्डनेस होती है। तो चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अपना ट्रेन उतर गया मैं, ठीक है। ये बिल्कुल सामने से मैं उतरूँ ट्रेन, और अभी हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। तो यार बेसिकली इसके बाद हुआ ये था कि मैं चला गया था घर टैक्सी बैठ के, और कुछ भी नहीं हुआ था, फिर मैं जाकर सो गया था। तो ये था छोटा सा व्लॉग, अब पता नहीं इसको व्लॉग कहते हैं भी नहीं कहते, ये कह लो कि कुछ वीडियो ही थी एक मैंने बना डाली ऐसे मस्त मॉल मिठे चोर में। तो अगर तुम लोगों को पसंद आई हुई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर लाजमी करो। और मज़े की बात है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे अभी तक ये भी नहीं पता मैंने किस चैनल पर डालनी है। या तो मैं इसके लिए एक और चैनल बनाऊँगा, या मैं PTG पर डालूँगा। अब देखो कौन सा चैनल बनता है, तुम लोगों को तो पता होगा कौन सा चैनल बन रहा है, ठीक है। तो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज पर्सनली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।